बायो यूरिनल के, तो इसको यूरिनल पॉट में कैसे फिट करने का, या ऐसे पैकिंग में आता है तो इसको पैकिंग खोल के निकालने का, निकालने के बाद क्या करने का, इसके अंदर भी एक प्लास्टिक का ये रहता है, रैप रहता है, लेकिन उसको नहीं निकालने का है। ये इसके अंदर जो है ये केक रहता है, ये 1 महीने के बाद ख़त्म होता है। तो इसको क्या करने का, इस पूरे डिवाइस को यूरिनल पॉट के अंदर जहाँ पे होल रहता है यूरिनल का, जहाँ पे हम स्क्रीन रखते हैं सेंटेड स्क्रीन वगैरह, तो सेंटेड स्क्रीन अभी नहीं रखने का है, तो उसके बजाय ये जो है पूरा बायो यूरिनल केक ये ऐसे ही वहाँ पे रखने का है। तो जैसे यूरिन इंसर्ट होगा तो ये एक्टिवेट होके काम करने के लिए लग जाएगा। इसके लिए पानी का जो फ्लो है ये बंद कर देने का है, तो फिर ये काम करना शुरू कर देता है। जब भी आप दिन भर में 2-3 बार वॉशिंग करते हैं, 2 बार वॉशिंग करते हैं, तो तब क्या करने का है, इस यूरिनल केक को बाहर निकालने का है। तो बाहर निकालने से पहले आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर इंसर्ट करके फिर इसको बाहर निकाल के रख के जो आपका जो यूरिनल पॉट है उसको क्लीन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको ऐसे ही उसके ऊपर रख दे सकते हैं। 1 महीने के बाद, मीन्स 25 डेज 30 डेज के बाद, जब ये अंदर का जो केक है आपको दिख रहा है ये खत्म हो जाता है पूरा, तो समझने का ये अभी खत्म हो चुका है, इसको रिप्लेस करने का है। तो ये रिप्लेस मीन्स क्या, ये पूरा ही जो ये प्लास्टिक है ये डाल देने का है, और नया वाला ऐसे ही पूरा यूनिट आता है, ये यूनिट वहाँ पे फिर से लगाने का है। तो इसके लिए आपको पानी का यूज़ नहीं करने का है, जस्ट वॉशिंग के टाइम के ऊपर पानी का यूज़ करने का है, और जब वॉशिंग कर रहे हैं तब इसको निकाल के साइड में रखने का है। दैट्स इट। कोई भी इश्यूज़ है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।